क्यों बढ़ाई जा रही है KGF की रिलीजिंग की डेट? किस फिल्म इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं यश? क्या देखने को मिलेगा KGF 2 में? KGF फिल्म एक ऐसी फिल्म है जिसको लगभग हर किसी ने देखा होगा। जी हाँ, ये फिल्म है ही इतनी पॉपुलर कि आजकल की जनरेशन में ये फिल्म बेहद ज्यादा पसंद की जा रही है। इस फिल्म के फैंस और यश के फैंस इस फिल्म के दूसरे पार्ट यानी कि KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। यश से तो आप सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ ही होंगे, अगर नहीं तो आपको बता दे कि यश एक कन्नड़ा एक्टर है और यश का रियल नेम है नवीन कुमार गौड़ा। यश की अगर पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो यश का जन्म 8th of January 1986 को कर्नाटक में हुआ था और वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। यश के पिता BMTC में बस ड्राइवर है और उनकी माँ एक हाउसवाइफ है। इसके बाद यश की एक छोटी बहन भी है जो अभी अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। अगर बात करें यश की पढ़ाई की तो यश का बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में भी सिर्फ ड्रामा कॉम्पिटिशन में ही भाग लेते थे। यहाँ तक कि एक बार उन्होंने 10वीं के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला कर लिया था। फिर उनके पिता ने उन्हें समझाया और अपनी आर्थिक हालातों का हवाला देते हुए उन्हें आगे की पढ़ाई पूरी करने को बोला। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद यश ने एक्टिंग क्लास ज्वाइन किया और कई जगह ऑडिशंस दिए। उनकी अच्छी एक्टिंग की वजह से उन्हें 2004 में एक टीवी सीरियल में काम करने का मौका मिला जिसका नाम था नंदा गोकुला। ऐसे ही वो दिन पर दिन आगे बढ़ते गए और 2007 में उन्हें एक मूवी में छोटा सा रोल मिला और ये छोटा सा रोल उनके लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके बाद यश ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री और कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री में एक से एक हिट पर हिट फिल्में दी और 2018 में आई यश की फिल्म KGF ने उन्हें रातों रात ही पूरे देश का सुपरस्टार बना दिया और KGF मूवी से ही वो पूरे वर्ल्ड में फेमस हो गए हैं। यश के KGF चैप्टर 1 मूवी दर्शकों को काफी पसंद आई, ऐसे में दर्शक KGF चैप्टर 2 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। KGF चैप्टर 1 में यश की माँ बचपन में ही मर जाती है और वो अपनी मरती हुई माँ से वादा करता है कि वो गरीबी में नहीं मरेगा और वो कोयले का काम करने लगता है और जब वो बड़ा होता है तब वो एक माफिया के साथ काम करने लगता है। वो माफिया उसे कोलार गोल्ड फील्ड जाने को बोलता है। रॉकी यानी यश वहाँ जाकर देखता है कि वहाँ पर लोगों को कैदी बनाकर रख दिया है तो उसे बहुत बुरा लगता है और वो इसके खिलाफ आवाज भी उठाता है और उस KGF के लीडर को मार देता है और फिर उसे पता चलता है कि KGF में बहुत पावर है जो KGF पर राज करेगा मानो वो पूरे दुनिया पर राज करेगा और फिर रॉकी गरीबों का मसीहा बन जाता है। अब KGF चैप्टर 2 में देखने को मिलेगा कि कैसे रॉकी KGF पर राज करेगा और कैसे लोगों की मदद करेगा। फिल्म के अंत में अधीरा और रॉकी का आमना सामना होगा। दोनों एक दूसरे से कोलार गोल्ड माइंस में टकराएंगे। इसके बाद फिल्म में पॉलिटिशियंस और गैंगस्टर्स के बीच में होने वाले व्यापार के बारे में भी दिखाया जाएगा और कैसे रॉकी भाई गरीबों की मदद करते हुए सब कुछ ठीक करेगा। बात करें अगर KGF चैप्टर 2 के टीजर की तो मेकर्स ने यश के बर्थडे यानी 8 जनवरी से एक दिन पहले रिलीज किया था इसे और टीजर आते ही दर्शकों ने टीजर को काफी सराहा और देखते ही देखते इसके 125 मिलियन व्यूज पूरे कर दिए और इसी के साथ रिकॉर्ड बना दिया। इस टीजर में रवीना टंडन एक नेता के रूप में नजर आ रही है और वही संजय दत्त अपने पॉपुलर रुक अधीरा के लुक से तहलका मचा रहे हैं। बात करें अगर इस फिल्म के रिलीज की तो दर्शकों को इसके रिलीज को लेकर बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। फिल्म की रिलीज डेट को कोरोना के चलते कई बार आगे ढकेल दिया गया है लेकिन एक बार फिर इस फिल्म की रिलीज को कैंसिल कर दिया गया है। हाल ही में इस फिल्म के रिलीज होने की जानकारी फिल्म की स्टार कास्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर दी थी। अपनी पोस्ट से उन्होंने बताया था कि ये फिल्म 16 जुलाई को रिलीज होने जा रही है लेकिन कोरोना के बिगड़े हुए हालातों को देखकर एक बार फिर इस फिल्म की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ये बहुत बड़े बजट की फिल्म है, OTT प्लेटफॉर्म पर इसे रिलीज करना ठीक नहीं होगा। रवीना टंडन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है कि मॉन्स्टर तभी आता है जब हॉल पूरी तरह से गैंगस्टर से भरा हुआ होता है। फिल्म की नई रिलीज डेट की घोषणा जल्द ही की जाएगी और इसी के साथ #KGF2 लिखा जिस पर फैंस ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दी और फैंस ने लिखा इस मूवी को देखने के लिए अब और इंतजार नहीं कर सकता तो किसी ने लिखा आज तक की सबसे बेहतरीन मूवी। इस फिल्म के फैंस इस मूवी की नई रिलीज डेट का पल के बिछा कर इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर ये फिल्म कब रिलीज होगी और बॉक्स ऑफिस पर इसका कैसा कलेक्शन रहेगा। तो इसी के साथ वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि ऐसी चटपटी चीजें आपको सबसे पहले देखने को मिले।